कर रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, आज एक और तबाही हुई है जी कर्नाटक में। 55% जनता ने बीजेपी को हराया, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के दोनों को जोड़ दिया। बहुमत था 117 का। इसने जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, ये ओथ लेकर के बैठी हुई है। ये एक सूबे में कुछ कर दिया, दूसरे सूबे में कुछ कर दिया। यानी गोवा में कांग्रेस पार्टी नंबर एक पर पार्टी थी, नंबर एक मणिपुर में थी, नंबर दो नंबर तीन मेघालय में थी। वहाँ कहा कि गठबंधन को हम सरकार बना लेंगे, और यहाँ जो है वो कांग्रेस और जेडीएस को 117 एमएलए और 104 वालों को वोट दिलाने का काम किया। ये दिल्ली की सरकार के जरिए संविधान की ओथ लेकर के दलित को, किसान को, छोटे दुकानदार को, मजदूरों को, कोई छोटे उद्योग हो, सबको तबाह करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए सरकार को हटाने के लिए सारा हमारी कोशिश है कि सारी जनता को इकट्ठा होना चाहिए और सारे दलों को गोलबंद होकर के संविधान बचाना चाहिए। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलित खतरे में है, किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है, व्यापारी खतरे में है। नोटबंदी और आपके जीएसटी के चलते धंधा और व्यापार ठप है। इसलिए देश को बचाना है, संविधान बचाना है। इसलिए सबको एक होकर के संग्राम के लिए तैयार होना चाहिए। कल जो है छोटा सा वो देश एक बड़ी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी का आगाज किया जा रहा है। कल जो ताल कटोरा रोड में बड़ी संख्या में पूरे देश भर से, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक, सब जगह के लोग आ रहे हैं। सर एक छोटा सा सवाल, जब आपसे कहना कि कल भी आप सर एक छोटा सा सवाल है, जब ममता बनर्जी के काल में वहाँ पुल गिरा था तो माने प्रधानमंत्री मोदी ने उनको दोषी ठहराया था। आज वाराणसी में पुल गिरा, बहुत सारे लोग मर गए, हाथ हो गए, और लेकिन प्रधानमंत्री उस पर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे, ना उनको कोई मुआवजे की घोषणा कर पा रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये जो हादसा हुआ है, ये तीसरा हादसा जी दुनिया में पुल बनते हुए गिरा, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है जी जी। और प्रधानमंत्री का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जी संसदीय क्षेत्र है जी जी, आज तक उनकी जबान नहीं खुली जी, सिर्फ दुख व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ लूट के चलते हुआ, एक तरफ सर मातम मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही है बीजेपी खेमे में, तो ऐसे सरकार और ऐसे सरकार के नुमाइंदों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इनको हटा देना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।